दिल तू नादान है, क्यों करता है गुस्ताखियां, क्यों करता है गुस्ताखियां, राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल मुझे तू, राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल मुझे तू, हाँ भूल न जाना, ओ जाने जाना, वादा किया जो वो तुम निभाना, दिल तू नादान है, क्यों करता है गुस्ताखियां, क्यों करता है गुस्ताखियां। थैंक यू। बहुत खूब बहुत खूब। आज हमने सोचा कि आज सैटरडे है, सैटरडे इवनिंग, वैसे तो इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस में वक्त कम ही होता है कुछ और खबरों पे बात करने का या कुछ और इवेंट्स पे बात करने का, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको एक बिलावर की आवाज़ से मिलवाते हैं। मेरे साथ जो ये आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी, इनका नाम है राहुल वर्मा, ये बिलावर के रहने वाले हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। मैंने सोचा कि आज सैटरडे की जो इवनिंग है, थोड़ी सी आप लोगों को एंटरटेन किया जाए और राहुल की आवाज़ में एंटरटेन किया जाए, खास करके बिलावर की आवाज़ में। तो बिलावर के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट आ जाएं और अपनी तरफ से राहुल की जो जो आवाज़ है उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है वो आगे बढ़ता रहे। अच्छा राहुल, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिलावर के कहाँ के रहने वाले हो आप, कहाँ सर, पे? मैं अच्छा, बिलावर के सियालना गाँव का रहने वाला हूँ। तो कब से गा रहे हो आप? सर गा तो रहा हूँ मैं, अभी तो 5-6 महीने हुए, तो फर्स्ट गाना मैंने रिलीज़ किया अपना, गुस्ताखिया नाम है उसका। तो पहले शौक तो मुझे पहले बचपन बचपन का था, तो मतलब पैसा नहीं था मेरे पास इतना, तो अब थोड़ा, अभी 999 प्रोडक्शन के एंजल सिंह से बात हुई मेरी, उन्होंने मैं थोड़ी हेल्प की, और पापा ने किसी से पैसे उधार लिए, और थोड़ी बहुत गांव वालों ने मदद की मेरी, तो फिर फर्स्ट गाना मेरा रिलीज़ किया अपना। आप अपने गांव के पहले सिंगर हो या उस गांव में और भी गाने वगैरह कोई किसी की एल्बम या यूट्यूब पे गाने आए हैं? नहीं सर, पहले मैं ही हूँ। आप पहले सिंगर हैं, यस चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके गांव के लोग देखते हैं, बिलावर के लोग देखते हैं, आपके गाने वगैरह सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, सुनते हैं, बट अभी तक कितनी पहचान नहीं हुई है, अभी तो नया नया है, जितने सुनते हैं बड़ा प्यार देते हैं मुझे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, राहुल वर्मा की जो लाइफ स्ट्रगल की बात करें तो इसकी, राहुल की लाइफ स्ट्रगल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। राहुल जो हैं एक होटल में वेटर का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर अपने पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, साथ में कोशिश करते हैं कि वो अपनी सिंगिंग को आगे लाएं, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, और ऐसे ही बच्चे हमें जम्मू कश्मीर में चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप IAS या KS नहीं कर सकते तो आप किसी और प्रोफेशन में भी अपना सिक्का मनवा सकते हो, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हो। आप जो वेटर का भी आप काम करते हो, तो जी क्या घर के हालात है जिस कारण आपको जो है ये काम करना पड़ा? सर, पहले तो मेरे घर के हालात तो बड़े, मतलब बड़े बुरे हैं, क्योंकि मेरे पापा के यार 3-4 ऑपरेशन हुए हैं, वो काम कुछ कर नहीं सकते, मतलब थोड़ा बहुत तो जो होता है वो कर लेते हैं। मैं पहले तो एक होटल में जॉब करता हूँ, तो रात को जब वापस आता हूँ, रात को उस वक्त तैयारी करता हूँ, गाने गाना और लिरिक्स लिखना, एक जो भी लिरिक्स लिखना, जब टाइम लगता लगता है, तो वैसे तो टाइम लगता नहीं है, रात को कोई 1-2 घंटा टाइम लगता है मेरे लिए, उस वक्त सिर्फ मैं गाने लिखता हूँ, बाकी सब कुछ जो भी खर्चा होता है घर पे देना, और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी मेहनत है। राहुल एक होटल में वेटर का काम करते हैं, लेकिन सिंगिंग इनका शौक है। इन्होंने अपनी आवाज़ में आपको एक गाना सुनाया है, एक और आपको इनकी आवाज़ में गाना सुनाते हैं। बिलावर के रहने वाले हैं राहुल, और सल्यूट करना चाहिए ऐसे बच्चों को जो अपने घर में अगर किसी चीज़ की कमी है, प्रॉब्लम में है फैमिली, तो इस तरह से चाहे वेटर का ही काम करते हैं उसके साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। राहुल
अब एक और गाना सुनना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस है तो जो सिंगर्स होते हैं ना उनसे गाना सुनना चाहते हैं, हमारी बातचीत तो वो सुनेंगे ही, गाना उनकी ज़्यादा फरमाइश रहती है। तो ये आपने जो पहले गाना सुनाया था वो भी आपका वो लिखा हुआ था, वो मेरा लिखा, अब दूसरा भी आप अपना लिखा हुआ सुनाएंगे जो अभी रिलीज होना है? हाँ। उसका मैं थोड़ी सी लाइन बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। एक देसी जिहा मुंडा पिंडो शहर आया सी, ओ दो दाए दिल बिच कैर होया सी, लग्या निशाना तेरी अख दा, लग्या निशाना तेरी अख दा, तायो जट मूरे आके ढेर होया सी, तायो राकू मूरे आके ढेर होया सी। बस थैंक यू, इतना सब बताऊंगा। ये कब रिलीज हो रहा है? ये 16 अप्रैल को मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा। मेरे यूट्यूब का नाम है, चैनल का नाम है राहुल वर्मा राकू, उसी पे रिलीज होगा। अच्छी बात है। राहुल, इसके साथ साथ आपको क्या शौक है और आप सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे, चाहे जिनके घर के हालात खराब हैं, जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप वेटर का भी काम करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं, क्या आपका सबके लिए मैसेज रहेगा? सर, बंदे का जो भी शौक है ना, वो कुछ भी शौक हो वो करना चाहिए, कुछ भी। स्पोर्ट तो मिलती रहती है, स्पोर्ट तो हर बंदा करेगा, मगर एक पहले कदम तो उठाओ, कदम तो उठाओ। जैसे मेरे पास तो कुछ नहीं था, बाकी आप सपोर्ट कर रहे हो सारे, तो वैसे मतलब जो भी दिल में शौक हो वो बाहर तो निकालना चाहिए। अब ना यहाँ पर ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आपको मुबारकबाद भी दी जा रही है और आपके काम को पसंद भी किया जा रहा है, और बड़ा बड़ा शुक्रिया सभी लोगों का। आपकी आवाज़ की भी बड़ी तारीफ हुई है, और अब एक और गाना सुना दो, ताकि चाहे अपना लिखा हुआ या किसी और सिंगर का, अगर आप सुनाना चाहते हो, हिंदी सुनाना चाहते हो, हिंदी सुना सकते हो आप। जो अभी लिखा है मैंने वो भी थोड़ा सा सुनाता हूँ, जो शायद नेक्स्ट सॉन्ग निकालूँ मैं बोला। वो साडे दिल उत्ते लगी जेड़ी सट दा हिसाब तैनू देना पैना है, वो जेड़े चक में बरैंड तू भी पौंदी सी, नी दस हुण कित्थों पाया करेंगी, नी दस कित्थों पाया करेंगी। वो यारां दी यारी नू तू छड गई, वो यारां दी यारी नू तू छड गई, तू गैरां नाल लाइयां यारियां, वो जेड़े चक में बरैंड तू भी पौंदी सी, नी दस कित्थों पाया करेंगी, नी दस कित्थों पाया करेंगी। ये शायद तीसरा सॉन्ग आया मेरा, ये आपका तीसरा सॉन्ग आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और राहुल किसी और के लिखे हुए गाने नहीं गाता है, राहुल खुद ही गाने लिखता है और उन्हीं को गाता है, और उन गानों पे इन्होंने वीडियो भी बनाए हैं जो इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। और साथ में राहुल एक अपने घर के लिए भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से घर का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और उन्हीं क्राइसिस के चलते अपने घर को भी संभालते हैं, अपने आप को सिंगर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। राहुल, आप कहीं सीखते भी हो? सर, अभी तक किसी के अभी सीखा नहीं है मैंने, कुछ नहीं सीखा, जो भी है खुद सीखने के लिए अभी तक पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे सीखूँ। शौक तो है कि सीखूँ, अच्छा कलाकार बनूँ, तो अभी तो बड़ी मजबूरी। वेटर कितना कमा लेते हो? कितना? 10,000, तो इससे फिर घर का खर्चा भी चलाना है, तो वो सारा घर पे लग जाता होगा। हाँ बिल्कुल, अभी पापा ने मेरी वीडियो के लिए पैसे किसी से उधार लिए और बैंक से लोन लेके मतलब मेरी वीडियो बनाई, तो उन्होंने उधार लेके और बैंक से लोन लेके। आप इतनी मेहनत करते हो, आपके पिताजी ने उधार लेके लोन लेके आपके लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हो कि अपने फैमिली का नाम रोशन करो, बिलावर का नाम रोशन सर, करो? मैं तो अपनी फैमिली का तो करूंगा, अपने पूरे बिलावर का नाम रोशन करना है, क्योंकि बिलावर में ये पता चले कि नहीं, बिलावर में भी है टैलेंट, अपने बिलावर में भी है टैलेंट, ऐसे मतलब जो भी टैलेंट हो सर, ये मैं बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड, बिलावर में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल बिलावर में टैलेंट है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि उस टैलेंट को सामने लाना है। तो अब बिल्कुल लास्ट में कोई और गाना सुनाना चाहोगे? अब चलो अपना नहीं लिखा हुआ किसी का गाना, क्योंकि आप सारे गाने थोड़े थोड़े सुना रहे हो, तो वो जब लोगों का इंटरेस्ट बनता है आपके गाने में और गाना ही ख़त्म हो जाता है, तो आप ठीक है, वो अच्छी बात है, रिलीज़ होने के बाद आप पूरा गाना सब सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी और सिंगर का हिंदी या पंजाबी गाना गाना चाहो। सर, अपना ही सुनाता हूँ जो अपना लिखा है, चलो अपना ही सुनाता हूँ। ओनी तू छत्ती छत्ती कहन वालिए, ओनी तू छत्ती छत्ती कहन वालिए, तेनू हुण दिल ते नहीं लाऊंगा, ओनी तू एटीट्यूड अपना ही दस दे, तेथों सोनी पट के दिखाऊंगा,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਅਬ ਰਾਹੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੈਂ, ਅਬ ਆਗੇ ਕਿਆ ਸੋਚਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਬ ਤੱਕ ਔਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 10 ਗਾਣੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ 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 ਨਿਕਾਲਤਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਿਕਾਲਤਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਤਨਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 10 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਕੇ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਯੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਨਿਕਾਲਤਾ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਗਾਣੇ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਬਸ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਭਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਵੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੋ ਸੁਣਾਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੇਂ? ਹਾਂ ਹੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਏ, ਰਾਤਾਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਏ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਾਂ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਹੁਲ, ਬਸ ਆਪ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਾਵਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਗਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਆਗੇ ਡੋਗਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਏਂਗੇ? ਸਰ ਡੋਗਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਗਾਏਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਭੀ ਸੋਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ, ਤੋ ਅਭੀ ਤੋ ਫੋਕਸ ਵਜ਼ਨ ਸੋਚਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਭਜਨ ਭਜਨ ਵੀ ਆਤਾ ਆਪਕੋ? ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਭੀ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਾਲਨਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੇ ਰਹੋ, ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਿਲਾਵਰ ਕੇ, ਤੋ ਬਿਲਾਵਰ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੇ ਬਿਲਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਲਈ ਅਭੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਐਸੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੋ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲੱਦਾਖ ਮੇਂ ਸਭੀ ਬੱਚੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲੱਦਾਖ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਵੀ ਗਾਣੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂਟਿਊਬ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਰਾਕੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੋਗਾ ਔਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗਾ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੋਗਾ। ਚਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਰ ਖਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਜੁੜੀ ਖਬਰੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੇ ਵੀ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੇਟਰ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਨੇ ਆਪ ਸਭਕੋ ਬਤਾਇਆ। ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਜੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਲੀਏ ਧੰਨਵਾਦ।